ये केशव हैं। हाँ, यहाँ रेडियो गूंज में 24 घंटे रहते हैं और सारा दारुमदार उठाते हैं रेडियो गूंज का। और ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं ना रेडियो गूंज के ऑफिस से, इसका भरपूर मज़ा लेते हैं। कहते हैं ना कि इनकी मुस्कुराने की आदत जो है ना, हाँ, पूरे गांव वालों के लिए बहुत ही मायने रखती है। तो केशव, एक बात बताइए, और नज़दीक आइए, आइए आइए नज़दीक आइए, कैमरे के नज़दीक। हाँ बताइए, कैसा लगता है आपको? तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो में काम करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और सपना पूरा हो रहा है। सपना पूरा हो रहा है। और मैंने क्या फ्यूचर की क्या योजनाएं हैं, रेडियो कैसे चलाना चाहिए और बताइए लोगों को, और जो लोगों का रिस्पांस आता है जब फ़ोन कॉल आता है तो कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल आता है, सबका जो फरमाइश जो गाना होता है वो पूरा किया जाता है सर। हाँ, और जो कार्यक्रम बजते हैं हमारे यहाँ से अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम, कैसा लगता है, लोगों का क्या कहना है? सर लोगों का कहना है कि सारे कार्यक्रम सही है सर, सुबह 8 से 9 तक भजन बजता है। हाँ, 9 से 11 जो पुराने गीत है वो बजता है सदा। जी 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 जी। 11 से 2 बजे तक एजुकेशनल प्रोग्राम सब बजता है। हेल्थ पर भी आता है ना? अच्छा, एक बात बताइए, आपके दिमाग में कुछ, आप इतने दिनों से हैं, 1 साल करीब होने चला, कौन सा प्रोग्राम जो लाइक कर रहा है जिसको बजना चाहिए तो लोगों के लिए अच्छा होगा? सर जैसे जो आओ अंग्रेजी सीखे, आओ इनसे मिले, हाँ, ये सब कार्यक्रम है जो बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्वास्थ्य पर जितना भी आता है, जैसे हेल्थ का आयुष्मान कार्ड हो गया, ये सब का बहुत अच्छा लगता है सर। तो आप लोगों से क्या कहना चाहिएगा? सर लोगों से कहना यही चाहिए कि रेडियो गूंज सुनते जाइए। हाँ, और अपना जो भी सुनना तो कीजिए, हम पूरा करेंगे सर। बिल्कुल पूरा करेंगे। तो ये थे अभी केशव थे।